माई चैनल, माई नेम इज़ आयुषी चौधरी एंड आई एम फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट KIMS कर्नाटका। सो अभी अभी तुम्हारा नीट 2023 का एग्जाम हुआ है एंड मेनी ऑफ यू आर प्लानिंग टू गिव नीट 2024। सो दिस वीडियो इज़ आउट फॉर दो स्टूडेंट वेदर यू आर ड्रॉपिंग ईयर और यू आर स्टडिंग इन क्लास 12 टू प्रिपेयरिंग फॉर नीट। इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कम्प्लीट स्ट्रैटेजी प्लान फॉर नीट 2024 एंड आई कैन गारंटी यू दिस, अगर तुम ये पूरा 9-10 महीने फॉलो करोगे सो तुम्हें एम्स, दिल्ली या फिर टॉप मेडिकल कॉलेज क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। बट यू हैव टू फॉलो दिस एफिशिएंटली। ये नहीं है कि तुम एक दिन पढ़ रहे हो फिर दो दिन के लिए फिर गायब हो जा रहे हो। नो, यू हैव टू स्टडी कंसिस्टेंटली। इफ यू आर स्टडिंग 6-7 आवर्स अ डे, यू हैव टू गिव 6-7 आवर्स अ डे एवरी डे, क्योंकि 6-7 घंटे बहुत कम होते हैं। बच्चे 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते हैं सिर्फ नीट एग्जाम के लिए। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू से यू दैट गाइज, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू शूट द वीडियो, टू एडिट द वीडियो। सो प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यू सो हम बात करने वाले हैं दोनों बच्चों के लिए जिन्होंने 12th के बाद एग्जाम दिया है और जो ड्रॉप कर रहे हैं। यू नो, फर्स्ट हम बात करेंगे कि अगर तुम 0 लेवल से अपना स्टार्ट कर रहे हो तो तुम कैसे इन 10 मंथ्स को यूटिलाइज करके एट द एंड अपना एक प्रोडक्टिव रिजल्ट पा सकते हो। तो देखो, नीट 2023 का एग्जाम जो हुआ था वो हुआ था मई में, ठीक है। हमें भी पता है कि मई में ही पहले नीट का एग्जाम होता था। तो इस बार जो एक्सपेक्टेड नीट का एग्जाम है तो मान के चलो कि वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो रहा है, मई में ही एग्जाम होगा। बट तुम्हारे पास, तुम अगर अपने अप्रैल के हिसाब से तैयारी लेके चलोगे, क्योंकि तुम्हें लास्ट में एक महीना ऐसा मिल जाए जिसमें तुम अच्छे से रिवाइज कर पाओ, तो अभी ये सोच के चलो कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में तुम्हारा एग्जाम होगा। तो करीबन यू हैव 9-10 मंथ्स फॉर योर प्रिपरेशन। नाउ अब मैं उन बच्चों के लिए बात कर रही हूँ जिन्हें कुछ नहीं आता है, जो 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल। तो तुम्हारे पास दो चीज़ें करने के लिए, एक तो तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस। अब तुम्हें सिलेबस कंप्लीशन को कितना टाइम देना है, करीबन 7-8 महीने, दो अच्छे से, रोज 7-8 घंटे पढ़ो, अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करो। देन उसके बाद रिविजन के लिए 1-2 महीने होने चाहिए, क्योंकि तुमने सब कुछ पढ़ लिया है एंड एट द एंड तुम उसे यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हो, रिवाइज ही नहीं कर पा रहे हो, तो दैट इज़ अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। तो अपना 9+8+7 रूल फॉलो करो, 9 घंटे की पढ़ाई करो, 8 घंटे मस्त सो और 7 घंटे जो तुम्हें करना है करो यार। नोबडी इज़ गोना फोर्सिंग यू टू, यू नो, अगर तुम 9 घंटे अच्छे से पढ़ रहे हो देन यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू डू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एज वेल। तुम्हें जिम जाना है, तुम्हें डांस क्लास जाना है, यू कैन डू इन दिस 7 आवर्स ना। लेकिन जब तुम ये 9 घंटे पढ़ रहे हो तो तुम क्या वो एफिशिएंटली पढ़ रहे हो? यू हैव टू गिव दैट। अगर तुम पढ़ भी रहे हो और फिर तुम एफिशिएंटली भी नहीं पढ़ रहे हो, तुम कंसेंट, तुम्हारा दिमाग इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यहाँ पे जा रहे हो, तो दैट इज़ अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम ना। अगर तुम पढ़ाई को टाइम दे रहे हो तो स्टडी, पढ़ाई ही करो ना उस टाइम में। व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम ऑन अदर थिंग्स? 2 घंटे अच्छे से पढ़ो, बीच में 10 मिनट का ब्रेक ले लो, उसमें तुम अपना सोशल मीडिया यूज़ करो। बट डोंट डू लाइक दिस कि तुम पढ़ भी रहे हो और फिर तुम अदर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो, देन फिर तुम्हारा भाई नीट नहीं होने वाला है, फिर तुम यहीं पर वीडियो रोक के चले जाओ, फिर नहीं होगा। कंपटीशन इतना बढ़ रहा है, 22 लाख स्टूडेंट्स आर गोना गिव नीट 2024 एग्जाम एंड यू आर थिंकिंग दैट अगर तुम इधर उधर टाइम वेस्ट करोगे तो तुम्हारा चांस है नीट क्रैक करने का। सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज़ यू कैन गो। अगर तुम सच में कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने वाले हो तो ये वीडियो आगे देखना, वरना यहाँ पे पॉज करके तुम जा सकते हो। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले आई वॉन्ट टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स जो मैं तुम्हें इनिशियली बता रही हूँ। सबसे पहली चीज़ जो है विच अफेक्ट्स अ लॉट ऑफ नीट एग्जाम प्रिपरेटर्स, जो है कि वो अपना बैकलॉग क्रिएट करके चलते हैं। तो तुम्हें अपना बैकलॉग नहीं क्रिएट करना है, दैट इज़ गोना अफेक्ट योर टेस्ट सीरीज एट द एंड। तुम पहले का तुम्हारा कुछ कंप्लीट नहीं होगा और उसके बाद तुम्हारा बैकलॉग हो रहा है, तो इसका मतलब दैट गोना अफेक्ट योर रैंक एज वेल एट द एंड। 22 लाख बच्चे पेपर देंगे, अगर तुम एक दिन भी अपना वेस्ट कर रहे हो तो यू आर शिफ्टिंग योर रैंक बाई 5-6 थाउजेंड एवरी डे। तो तुम्हें कैसे अपनी रैंक अंडर टॉप 1000 लेके आनी है, टॉप 10,000 लेके आनी है, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम टेबल, हाउ प्रोडक्टिव यू आर एंड यू कैन बिकम दैट। यू हैव टू जस्ट, यू नो, यूटिलाइज योर टाइम प्रॉपरली, यू हैव टू जस्ट थिंक स्मार्टली, वर्क स्मार्टली। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि तुम्हें सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है, क्या रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, क्या बुक्स यूज़ करने हैं। तो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायो में बहुत बच्चे पूछते हैं कि पढ़ना कहाँ से, किस टीचर को फॉलो करें, क्योंकि बहुत सारे टीचर हैं, गरिमा मैम है, आनंद मनी सर हैं, रक्षिता मैम है, बहुत सारे टीचर्स हैं, फिजिक्स वाले तो बहुत सारे टीचर्स हैं, तो हम फॉलो कैसे करें, है ना। तो बायो में मैं बोलूँगी कि जिस टीचर का तुम्हें अच्छे से समझ आता है लेक्चर देख के,
उसको फॉलो करो। अगर तुम कोचिंग में हो, पीडब्ल्यू में हो, आकाश में हो, तो उनको फॉलो करो। आई एम नॉट सेइंग कि यू डोंट जॉइन एनी कोचिंग और दैट, क्योंकि मैंने खुद आकाश से अपने एक साल कोचिंग करी है ड्रॉप ईयर में। तो अगर तुम पीडब्ल्यू आकाश में पढ़ते हो तो फिर वहाँ के टीचर्स को कम्प्लीटली फॉलो करो, कम्प्लीटली रिलाई ऑन देम। जो वो बोल रहे हैं कम्प्लीटली, वो बिल्कुल सही बोलते हैं, सही समझाते हैं, तो उन पे फोकस करो। जो वो जहाँ से क्वेश्चन करने के लिए बोल रहे हैं उनको फिर कम्प्लीटली फॉलो करो, फिर उधर उधर मत देखो। रिविजन करने के लिए आई से यूज़ एन सी आर टी। अगर तुम्हारे को लग रहा है कि तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना है तो उसको अपनी एन सी आर टी में ऐड करो। इफ़ यू रीड अगैन एंड अगैन एन सी आर टी, तुम्हें हर बार कोई नई चीज़ ऐसी मिलेगी जो तुमने पिछली बार नहीं पढ़ी है। यू विल फील इट कि पिछली बार जब मैं पढ़ रहा था तब तो मैंने ये चीज़ देखी नहीं थी। सो यू विल फील दैट। तो आई विल जस्ट से यू दैट कीप रीडिंग एन सी आर टी अगैन एंड अगैन। रीड इट 7-8 times टिल यू नीट एग्जाम। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन अगर मॉड्यूल मिले हैं तो मैं मॉड्यूल से करो, फिजिक्स वाला के डी पी पी से क्वेश्चन करो। जहाँ से क्वेश्चन दिखे वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तुम्हें एन सी आर टी फिंगर टिप से क्वेश्चन करना है वहाँ से करो, एम टी जी से करना है वहाँ से करो। पी वाई क्यूज तो मस्ट करने हैं, तीनों सब्जेक्ट में पी वाई क्यूज इज अ मस्ट। लेकिन उसके अलावा जहाँ से तुम्हें लग रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तुम वहाँ से कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट एन सी आर टी में ऐड करो, कितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम स्किप करके चले जाते हैं, एंड कई बार वो डायग्राम ही नीट के एग्जाम में आ जाते हैं। तो यू डोंट हैव टू स्किप द डायग्राम्स। तुम्हें डायग्राम्स को ऐसे के ऐसे ही रखना है, एंड डायग्राम्स को यू नो उनकी जो लेबलिंग्स होते हैं कई बार वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो लेबलिंग भी तुम्हें करके जानी है हर एक डायग्राम। एन सी आर टी को तो घोल के पी जाओ भाई, एन सी आर टी इज बाइबल। एन सी आर टी से ही नीट का पेपर आएगा तुम्हारा। 360 से 360 चाहिए तो एन सी आर टी अच्छे से पढ़ो। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री में बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। सबसे पहले हम बात करते हैं मैं टाइम कितना कितना देना चाहिए तीनों को। तो फिजिकल इज, मुझे फिजिकल कभी डिफिकल्ट नहीं लगी है, क्योंकि फिजिकल मुझसे हो जाती थी इजीली। मुझे थोड़ी अगर प्रॉब्लम आती थी तो इनऑर्गेनिक में आती थी, क्योंकि वो थोड़ा रटने वाला है, रटने वाली चीज़ों में मुझे कंपैरेटिवली दिक्कत होती है। तो फिजिकल में लगभग अगर तुम 2 महीने भी अच्छे से दोगे तो तुम्हारी हो जाएगी फिजिकल। इट्स नॉट दैट टिपिकल और डिफिकल्ट, क्योंकि मोस्टली कैलकुलेशन बेस्ड है, फॉर्मूला है कि पाई इज इक्वल टू सी आर टी फॉर्मूला लग गया, आयनाइजेशन हो रहा है तो पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी लग गया, है ना। सारे अल्फा कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, मोल्स कैसे निकालते हैं, तो सबका अपना अपना फॉर्मूला है। एंड फॉर्मूला याद करोगे तो क्वेश्चन में इजीली, क्योंकि क्वेश्चन में इजीली लिखा होता है कि कैलकुलेट दिस मॉटिक प्रेशर एट दिस टेम्परेचर, ये करो वो करो, तो यू कैन इजीली डू दोज क्वेश्चंस। तो अपना फॉर्मूला शीट बनाओ, एक फॉर्मूला शीट बनाओ, पी वाई क्यूज करो। और केमिस्ट्री में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जो मेरे सर हमेशा मुझे बोलते थे कि इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, अगर तुम्हें केमिस्ट्री में 2-3 क्वेश्चन से रैंक आगे अपना शिफ्ट करना है तो एन सी आर टी एग्जाम्पलर और इन टेक्स्ट क्वेश्चन पक्का करके जाओ। मेरे कहने से क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे एग्जाम में, वैल्यूज़ भी चेंज नहीं करते एन टी ए वाले, सो प्लीज़ डू दैट। अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक को बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। सो अगर तुम्हें इनऑर्गेनिक में कुछ भी नहीं आता है, कोई भी रैंडम वीडियो खोल लो यूट्यूब का, पंकज सर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, एक मेरे तो फेवरेट है वो, तो तुम उनको फॉलो कर सकते हो, पंकज सजारिया सर को। एंड उनकी जीओसी की वीडियो है एक, शायद 8-9 घंटे का एक वन शॉट वीडियो है पंकज सर का, तुम वो देखो, तुम्हारा जीओसी क्लियर होगा उससे। वहाँ से अगर तुम्हारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर हो गया है तो फिर तुम जाओ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये सब रिएक्शंस अगर तुम्हें पता होंगे ना तो तुम फिर रिएक्शन में हो क्या रहा है, प्रोडक्ट बन कैसे रहा है, वो सब चीज़ें तुम्हें पता चलेंगी। फिर तुम नेम रिएक्शंस रटो बैठ के, कैनिजर रिएक्शन, स्वाट्स रिएक्शन, ये सब चीज़ें तुम रटो, क्योंकि यू हैव नो अदर ऑप्शंस, यू हैव टू जस्ट राइट इट एंड मग अप। पढ़ो लिखो और रटो, दैट्स इट। और फिर इंडिविजुअल चैप्टर्स पे तुम मूव ऑन करोगे तो तुम्हें पूरा चैप्टर आता होगा, क्योंकि तुम्हें रिएक्शन का टाइप आता है। सिर्फ उसमें ये है कि बन कैसे रहा है, टूट कैसे रहा है, चेंज कैसे हो रहा है इसमें, तो ऑर्गेनिक इज प्रिटी ईजी, तुम कर लोगे। जो चीज़ मैंने बताई है इसी ऑर्डर में फॉलो करो, पी वाई क्यू सॉल्व करो, 3 महीने में आराम से तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डन एंड डस्टेड हो जाएगी। उसके बाद लेट्स मूव टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगी, कोचिंग में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे लास्ट में कराते हैं, लास्ट के 2 महीने में, और वो लिटरली पूरा भगा देते हैं, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा ना तुम उसे याद कर पाओगे।
तो माय ओनली वन गो टू एडवाइस फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अपने सेल्फ से, क्योंकि उसमें बहुत रटने की चीज़ है, नोबडी कैन, तुम्हें कोई आके वो चीज़ रटवा नहीं सकता, दैट यू हैव टू डू ऑन योर ओन। तो वो चीज़ें रटना स्टार्ट कर दो, कोचिंग में भगा देंगे सच में, तो खुद से करो। और जो चैप्टर ऑर्डर मैं बता रही हूँ, अगर यू विल फॉलो इट तो ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। इजी इजी चैप्टर्स कर लो, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ मेरे चार पांच चैप्टर कंप्लीट हो गए। हाइड्रोजन करो, एस ब्लॉक पी ब्लॉक थोड़ा लास्ट में करो, क्योंकि तुम्हारे कंसेप्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। और पी वाई क्यू सॉल्व करो इसमें, और अगर तुम्हें कहीं से भी मॉड्यूल वगैरह जिसको भी तुम फॉलो कर रहे हो वहाँ से सॉल्व करो। तुम्हारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्टिंग से ही अच्छी होके चलेगी, तो तुम लास्ट में वहाँ पे मात नहीं खाओगे। यू विल बी इन फ्रंट, यू विल बी अहेड ऑफ मेनी स्टूडेंट्स। ओके गाइस, सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट फिजिक्स। अभी मेरे पास एक कल कमेंट आया था एक लड़की का, शी वाज सेइंग कि हाय मैम फिजिक्स कैसे सॉल्व करूँ। तो यार सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत बच्चे डरते हैं, मैं भी फर्स्ट ड्रॉप में डरती थी फिजिक्स से कि फिजिक्स नहीं हो रही है मुझसे, फिजिक्स मैं कैसे करूँ। लेकिन डर हमें तब तक लगेगा जब तक हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। द मोमेंट वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, वो डर अपने आप खत्म होने लग जाएगा, हमें अपने आप कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ मुझसे क्वेश्चन हो गया, मुझे नेक्स्ट वाला भी सॉल्व करना है, नेक्स्ट वाला कैसे होगा, आई वॉन्ट नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कंसेप्ट कैसे लगेगा। तो वो चीज़ तुम्हारे मन के अंदर आने लग जाएगी। डर तभी तक लगेगा जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे। डर अगर खत्म करना है तुम्हें तो स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, फॉर्मूला शीट बनाओ, एक पेज को एक चैप्टर में कंसाइज करो, 60-70 क्वेश्चन करो एक दिन में। कैसे डर नहीं भागेगा यार फिजिक्स का, इतना अगर कर लोगे ना तो फिजिक्स में तुम्हें 150 प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरे 151 मार्क्स थे फिजिक्स में। तो गाइज आई कैन टेल यू दिस कि अगर तुम ये सब कर लोगे तो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग 150 प्लस इन फिजिक्स, दैट यू कैन टेक मी इन रिटन, टेक इन रिटन फ्रॉम मी। गो विद द बेसिक्स, बेसिक्स के साथ जाओ। ये नहीं है कि तुम सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जंप कर रहे हो। फॉर्मूला शीट इज मस्ट इन फिजिक्स, मस्ट मस्ट। किसी के फॉर्मूला शीट मत देखो, खुद के बनाओ। मैं तुम्हें अपने फॉर्मूला शीट भेज दूंगी, हाउ विल इट बेनिफिट यू गाइज, यू डोंट नो ना कि मुझे कौन सा, मुझे जो फॉर्मूला ईजी लग रहा हो मे बी वो तुम्हें हार्ड लग रहा हो, है ना। तो मेक योर ओन फॉर्मूला शीट, कस्टमाइज इट, एंड स्लोली स्लोली तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। और मेरे लास्ट गो टू स्पेशल टिप्स हैं गाइज, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबको भूल जाओ, कौन बहन है कौन भाई है, क्या पार्टी है, क्या फ्रेंडशिप हो रही है, रिलेशनशिप में अगर तुम हो, प्लीज़ फॉरगेट इट, प्लीज़ फॉरगेट इट टिल योर नीट 2024 एग्जाम। अगर तुम्हारे रिलेशनशिप फ्रेंडशिप इतनी स्ट्रॉन्ग होगी ना तो वो तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जाएगी, दे विल सपोर्ट यू इन वॉट एवर यू डू। सो कोई नहीं भाग रहा है, कॉलेज में भी मिलेंगे बहुत रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप्स, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज योर नीट, यू हैव टू ड्रॉप अ ईयर फॉर दैट। सो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ओवर इंस्टाग्राम, ओवर स्क्रोलिंग रील्स। कॉलेज में आके करना ना, तब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा ना। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू हाउ मच यू आर स्कोरिंग इन योर MBBS, इजंट इट, पास होना होता है सिर्फ। तो अभी नीट क्लियर करो, सारे लाइफ के मजे मिलेंगे। लेकिन तुम चाहते हो कि तुम प्रिपरेशन भी करो, तुम घूमो भी, तुम मजे भी लो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। यू हैव टू जस्ट यू नो, तुम्हें हर चीज़ को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू मी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू हैव टू जस्ट स्टडी, ईट एंड स्लीप, दैट्स इट। तीसरी चीज़ अगर तुम कुछ कर रहे हो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू, आई कैन गिव यू इन रिटन, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू। सो इफ यू वॉन्ट टू क्लियर यूर नीड इन फर्स्ट अटैम्प्ट, और जो भी तुम्हारा ड्रॉप ईयर है इस बार, गलतियाँ नहीं करनी है, तो सबसे पहले ये रिलेशनशिप जो भी है ना प्लीज छोड़ दो, अफेक्ट करते हैं यार, अफेक्ट करते हैं, ये चीज़ तुम्हें भी पता है अगर तुम हो तो। प्लीज़ बाय बाय टाटा बोल दो अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है, भाई मिलना अब नीट के बाद मिलना, जिस दिन मेरे गले में स्टेथोस्कोप होगा उस दिन मैं तेरे को हाई मैसेज भेजूंगा, दैट्स इट। 10 महीने ये कर लो, क्योंकि वो 10 महीने डिसाइड करेंगे तो कि तुम अपने लाइफ के 60-70 साल कैसे गुजारने वाले हो। इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर देन यू हैव टू सेक्रीफाइस दीज 10 months और 12 months जितना भी नीट के लिए है। सो गाइज दिस इज वॉट फॉर द वीडियो, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने देखा है कि तुम वीडियो देख के चले जाते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। I am also MBBS स्टूडेंट, बहुत मुश्किल हो जाता है टाइम निकालना, एंड I am shooting this video literally at 2:13 AM for you at night, so it takes a lot of efforts, क्योंकि मेरा भी कुछ नहीं जा रहा है, I'm not earning anything from YouTube, and इतने सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, बट हाँ जो भी 300-400 सब्सक्राइबर्स हैं, आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइज, कि अगर मेरे वीडियो से एक भी बच्चे का हेल्प हो रहा है तो दैट इज़ गोइंग टू यू नो, वो मेरे मन को
लाइक आई विल फील गुड फॉर दैट. सो प्लीज़ जो वीडियो देख के जा रहे हो चैनल सब्सक्राइब कर देना. बाय गाइस, सी यू इन अनदर वीडियो.